अब आगे ये सम नंबर 10th है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी बी। ये ए सी बी है, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर एंगल, सी डी लाइन जो है वो ए सी बी एंगल की बाइसेक्टर है, और जो जे जी एच लाइन है वो एंगल ई जी एफ एंगल की बाइसेक्टर है। ये एंगल 3 और 4 जे दो बाइसेक्टर एंगल बराबर एंगल बनाए हैं, ये एंगल 1 और 2 दो बाइसेक्टर एंगल बनाए हैं। जैसे सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट जी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। यानी कि जो डी पॉइंट है ये ए सी ए बी पे पड़ता है, और ये एच पॉइंट जो है वो ई एफ पॉइंट पे यहाँ पर पड़ता है। तो हमें ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और ई एफ जी, ये एफ ई जी दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो यहाँ पर सिमिलर दी हुई हैं, गिवन हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलरली ये सिमिलर हैं। तो हमने पहले ये वाली रेशो प्रूव करनी है, एक तो सी डी ओवर जी ई, यानी कि सी डी ये जो बीच में से बाइसेक्टर है और ये जी एच है, इन दोनों की तो सी डी की जी एच के साथ जो रेशो है वही ए सी की रेशो जो है वो एफ जी के साथ में है, यानी इसकी रेशो जो इसके साथ है वही इसकी इसके साथ है। तो ये अगर रेशो प्रूव करनी है तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे जो ट्रायंगल ए सी बी और ई एफ जी ट्रायंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर गिवन हैं, तो इसलिए एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ जब सिमिलरिटी प्रूव करेंगे तो एंगल ए जो होगा वो एफ के साथ होगा बराबर होगा, और एंगल सी जो जी के बराबर होगा, और हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये दोनों हमारी बराबर हो जाएंगी। तो फर्स्ट में एंगल सी जो एंगल जी के बराबर, और हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच। तो इसलिए बाई ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल जो मैंने यहाँ लिखा है डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ, तो ये था डी सी ए जो है एच जी एफ, ये वाला सिमिलर प्रूव करना था, ये रेशो प्रूव हो गई सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। जो गया सी डी ओवर जी एच, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी बराबर हो गई, सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ बी एफ जी, ये रेशो बराबर हो गई। इसलिए अब हमने ये दूसरी ये तीसरी ट्राइंगल जो है इधर वाली ये इधर वाली ट्रायंगल भी हमने सिमिलर प्रूव करनी है। जैसे ये बड़ी एबीसी ट्रायंगल जो है ई जी एफ के सिमिलर है, तो एंगल बी जो है वो भी एंगल ई के बराबर हो गया, और एंगल सी जी के बराबर होने से एंगल 2 बराबर 4 के हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गई, तो इसलिए ये जो ट्रायंगल यहाँ पर दी है डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, यानी कि डी सी डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गई। तो सभी जो ट्रायंगल्स जो जितना भी हमें कहा गया था वो सारा हमने बराबर कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। तो ये देखिए इन फिगर 6.40 जो ई है इज ए पॉइंट ऑन सी बी, जो सी बी प्रोड्यूस्ड पॉइंट ई है, और आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी है, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है वो आइसोसेलस ट्राइंगल है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और ए डी जो परपेंडिकुलर बी सी पे है,
ए से ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे है और ई एफ परपेंडिकुलर जो है वो ए सी पे है। ये दोनों परपेंडिकुलर हमें दिए हुए हैं, ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ये दिया हुआ है। तो हमने ए बी डी ट्राइंगल यानी कि ए बी डी ट्राइंगल को ई सी एफ यानी कि ई सी एफ ट्राइंगल के सिमिलर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो ई है एक पॉइंट है, बी सी को बढ़ा के यहाँ पर ई पॉइंट लिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर, ये दो परपेंडिकुलर हैं, ये ए बी सी आइसोस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, शुरू करेंगे सॉल्यूशन, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्रूव कर लिया, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी दोनों प्रूव कर लिया, क्योंकि जो अगर साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अब हम जो ट्राइंगल्स हमने ये वाली ए बी डी और ई सी एफ हमने सिमिलर करनी है वो ट्राइंगल्स हमने ले ली। तो ये जो हमें दिया, ये प्रूव किया था ए बी सी एंगल, तो उसको हमने ए बी डी भी लिख सकते हैं, ए सी बी को ए सी डी भी लिख सकते हैं। तो ये दो एंगल हमने प्रूव किए थे और ए डी बी जो है वो ई एफ सी के बराबर है, ये देखो ए डी बी और ई एफ सी, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का, इस तरफ भी 90 है। तो ये 90 का एंगल 90 के बराबर हो गया और इस ट्रायंगल का ये सी एंगल और इस ट्रायंगल का ये बी एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हमने प्रूव किए थे। तो इसलिए बाई ए ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल जो हो गई वो सिमिलर हो गई, ए बी डी और ई सी एफ ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो ये हो गया आपका 11th सम, ओके।